नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। खबर जनपद गोंडा के थाना तरबगंज से है, जहां दो महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर फिलहाल एसपी गोंडा का क्या कहना है, देखते हैं। कल एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें की भाभी और ननद के साथ में दुष्कर्म करने की बात आई थी। इस घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर इससे संबंधित दोनों ही अभियुक्त सुहेल सनोफ फारूक और बल्लू सनोफ सेशना, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम दृष्टिया इसमें जो पूछताछ से जो निकल कर आया है, इसमें ननद के द्वारा ये बताया गया है कि भाभी ने ही फोन करके इन दोनों को बुलाया था, और सीबीआई के माध्यम से भी ये तथ्य आया है कि सुहेल से भाभी से पहले भी बातचीत होती रही है। फिलहाल इन दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है, 164 का बयान, मेडिकल की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी तथ्य इसमें निकल कर आएगा, जो पति के द्वारा बयान दिया जाएगा, ननद के द्वारा दिया जाएगा, उन सभी को शामिल करके इसमें क्या एग्जैक्ट घटना है, उन सभी को सामने लाया जाएगा। फिलहाल दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य कार्रवाई 164 इत्यादि की करवाई जा रही है। वहीं दूसरी खबर, थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत हुई एक और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोंडा थाना नवाबगंज पर कल एक व्यक्ति के द्वारा अपनी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने की घटना के संदर्भ में तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही थी। 24 घंटे के अंदर ही इससे संबंधित अभियुक्त सतीश यादव पुत्र तहदील यादव, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये युवक उस परिवार के पड़ोस में ही रहता था और इसने उस बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना कारित की थी, जब घर वाले फंक्शन में गए थे। इस पे टीमें लगाई गई थी और 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अंतिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रश्न